वतन से बाहर दूसरे देश में अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोग काफी खुश नजर आए और अभिभूत भी दिखे। हमारे सहयोगी शिशिर सलार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिशिर, एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जोश यहां दुबई में नजर आ रहा है प्रधानमंत्री जब होटल पहुंचे। नरेंद्र मोदी जब किसी भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो इंडियन डायस्पोरा खासतौर पर बड़े उत्साहित होता है और बड़े लालायित होते हैं उनसे मिलने के लिए। और ये अगर कहे तो ये एक जो इंडियन डायस्पोरा है उसका प्रेम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में आए तो दुबई में जब इतनी देर रात उनका जो होटल में आगमन हुआ उस वक्त भी कई लोग होटल पर मौजूद थे। इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर उनके स्वागत के लिए मौजूद था। अलग अलग लिबास पहने ये लोग दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे। दुबई के अलग अलग कोनों से, मतलब अबू धाबी से भी कुछ लोग यहाँ पर उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, उनसे मिलने के लिए उत्साहित थे। हर आम हर खास, छोटे हो या बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल में आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको अनुत्साहित नहीं किया। दरअसल उनको सीधा अगर देखा जाए उस रास्ते से आगे बढ़ना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से घूमे और जो लोग जिनसे मुलाकात नहीं कर पाए थे उनसे फिर से मिलने के लिए यहाँ पर आए। और जैसे मैंने कहा कि अलग अलग परिधानों में, मतलब भारतीय जो संस्कृति है, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिस प्रकार से वेशभूषा होती है उन वेशभूषा में लोग पहनकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आए थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए तो काफी उत्साहित थे और जय जय मोदी के नारे जो है पूरे होटल में गूंज रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी काफी उत्साहित थे, काफी खुश थे इंडियन डायस्पोरा को इस तरह से उनका स्वागत करते हुए देख। और वो भी जो है लोगों के बीच चले गए, जो छोटे बच्चे थे उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उनसे मुलाकात की, साथ ही साथ एक डांस का एक छोटा सा एक यहाँ पर कार्यक्रम का गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तब उन्होंने देखा और फिर से जो लोग यहाँ पर खड़े थे उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी भीड़ में चले गए। और जो लोग हालांकि उनके लिए इंतजार कर रहे थे उनसे मुलाकात की, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग परिधानों में लोग यहाँ पर खड़े थे। ऐसे ही परिधान महाराष्ट्र का है जहाँ पे सुनेरी जो एक पगड़ी थी वो पहन के लोग खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि वो पहचान लिया और उनसे पूछा कि आप पुणे से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो एक रिकग्निशन होता है वो लोगों को काफी उत्साहित करता है कि जब उनके देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं और उनको मिलते हैं तो ऐसे में उनका उत्साह भी विद्युत हो जाता है। और यही माहौल हमने इस वक्त, हालांकि रात के अगर देखा जाए दुबई में इस वक्त 11:30 बज चुके हैं, इसके बावजूद इस प्रकार से उत्साह किसी नेता के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल शिशिर, और ये भी काफी महत्वपूर्ण, जैसा आपने कहा कि रात का वक्त है लेकिन फिर भी जो जोश है, जो उत्साह है, उसमें बिल्कुल कमी नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जहाँ भी पहुँचते एक त्यौहार के रूप में हम वहाँ देख सकते हैं, जिस तरीके का भव्य स्वागत यहाँ किया जा रहा है। हर उम्र के हम मान सकते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, हर कोई वहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए। बिल्कुल, देखिए हालांकि जैसे मैंने कहा कि स्कूल के कुछ बच्चे यहाँ पर, स्कूली बच्चे जरूर थे यहाँ पर, वो भी अपने माता पिता के साथ यहाँ पर आए थे, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऑरा है, उनका काम है, वो देख रहे हैं, वो देखने के काफी उत्साहित, प्रधानमंत्री मिलने से उनको मिलने के लिए काफी उत्साहित है ये उन छोटे। बिल्कुल, ना सिर्फ जो लोग हैं वो काफी उत्साहित शिशिर, बल्कि पूरा जो विश्व है उसी उत्साह गर्मजोशी के साथ यहाँ लगा।